आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग बायकॉट मालदीव जमकर ट्रेंड हो रहा है। बॉलीवुड सितारे हो, खिलाड़ी हो या आम लोग, हर भारतीय इस बायकॉट का समर्थन कर रहा है। हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हर भारतीय के मन में ये भाव है कि हमें अपने देश पर फक्र है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत के लोगों का गुस्सा मालदीव पर फूट गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। उसी दौरे के दौरान पीएम ने लक्षद्वीप आइलैंड से कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। उनके इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना होने लगी। फिर क्या था, लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर मालदीव के मंत्रियों को मिर्ची लग गई और भारत के विरुद्ध बयान देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी व देश के खिलाफ मालदीव की एक महिला मंत्री ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। तब बॉलीवुड इंडस्ट्री पीएम और देश के समर्थन में आकर खड़ी हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आवाज आई, कंट्री फर्स्ट, प्राइड फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने मालदीव के विरुद्ध ट्वीट करते हुए लिखा, केम अक्रॉस कमेंट्स फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स फ्रॉम मालदीव्स, पासिंग हेटफुल एंड रेसिस्ट कमेंट्स ऑन इंडियंस, surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decide to explore Indian islands and support our own tourism. तो वहीं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने लिखा, पीएम नरेंद्र भाई मोदी की ये तस्वीरें कितनी कूल है, ये बीच कितनी खूबसूरत, कितनी साफ और कितनी स्टनिंग है, बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारा इंडिया है। श्रद्धा कपूर ने लिखा, ये सब तस्वीरें और ये सब मीम्स मुझे बेसब्र कर रही है। मैं लक्षद्वीप के बीचेस पर जाना चाहती हूँ, मैं लोकल कल्चर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं अभी जाकर बुकिंग कर रही हूँ और इस साल मैं इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करूंगी। तो वहीं जॉन अब्राहम ने लिखा, विद द अमेजिंग इंडियन हॉस्पिटैलिटी द आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव एंड वास्ट मरीन लाइफ टू एक्सप्लोर, लक्षद्वीप इज अ प्लेस टू गो। तो वहीं कंगना रनौत ने मालदीव की महिला मंत्री के द्वारा की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए लिखा, बदबू, परमानेंट बदबू, क्या तुम्हें खुद को मुस्लिम फोबिया है, वो तब जब तुम भी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और मालदीव्स की प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर मुस्लिम पॉपुलेशन को स्मेली कह रही है, ये कितना घटिया और रेसिस्ट कमेंट है। बहुत से लोगों के लिए टूरिज्म लग्जरी है, लेकिन नहीं, टूरिज्म नेचर को एक्सप्लोर करना है। शेम ऑन यू फॉर बीइंग सो क्रास एंड वल्गरली रेसिस्ट। कंगना रनौत ही नहीं, क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी लक्षद्वीप से अपनी वीडियो शेयर की और उस पर लिखा, भारत को आशीर्वाद मिला है ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन विद आर अतिथि देवो भव फिलोसफी, वी हैव सो मच टू एक्सप्लोर, सो मेनी मेमोरीज वेटिंग टू बी क्रिएटेड। जैसे ही मालदीव्स की सरकार ने देखा कि उनकी महिला मंत्री के टिप्पणी के विरुद्ध पूरा भारत देश, भारत के बड़े बड़े नाम एकजुट होकर खड़े हो गए हैं और इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने में लग गए हैं, वैसे ही मालदीव की सरकार ने एक सफाई सामने रखी। मालदीव की सरकार ने कहा कि महिला मंत्री ने जो बयान दिया था वो उनकी निजी राय थी, मालदीव की सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। जी हाँ, विवाद हो जाने के बाद सरकार ने सामने आकर सफाई दी। बैक फुट पर नजर आया मालदीव्स।
वेल, इसके बाद हम तो इतना ही कहेंगे कि ये नया भारत है, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब भारत जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, कभी हैशटैग बायकॉट मालदीव्स तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक से अब भारत देगा करारा जवाब। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।